नेता अविनाश पांडे की स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात। क्या जल्द होगा गठबंधन का ऐलान? नमस्कार, एबीपी लाइव पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वंशिका शर्मा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत के लिए सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के अलावा विपक्षी दल भी एक्टिव मोड में है। इसी क्रम में कांग्रेस भी यूपी में अपनी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस के महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय घोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। राष्ट्रीय घोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी जानकारी खुद एक्स पर दी। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश पांडे मेरे निजी आवास लखनऊ आकर औपचारिक भेंटवार्ता में इंडिया गठबंधन के विस्तार पर सकारात्मक चर्चा हुई। कांग्रेस यूपी सपा के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन के अंदर कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर कांग्रेस सपा उम्मीदवार का समर्थन करेगी। सपा ने अभी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने यूपी में अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बता दें कि समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के 3 दिन बाद ही पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में अपनी पार्टी राष्ट्रीय घोषित समाज पार्टी के गठन का ऐलान किया था। इस खास मौके पर स्वामी के समर्थक बड़ी संख्या में तालकटोरा स्टेडियम में जुटे, जिन्होंने दलितों और पीड़ितों के हित में अपनी आवाज बुलंद की। पूर्व मंत्री ने 20 फरवरी को समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और MLC पद से इस्तीफा दिया था। उनसे जब इस्तीफे की वजह पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था कि पार्टी दलितों के साथ भेदभाव कर रही है, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर लिया है। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी लाइव।